आज कक्षा 11 में फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जो चल रहा है, तो बच्चों आज हम ये बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस क्रिया को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, हम ये जानते हैं कि फैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस आर रिलेटेड टू द साइज एंड नंबर ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, एंड मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ एंड क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट अमाउंट इन द मेसोफिल। ये सभी फोटोसिंथेसिस क्रिया को अंदर से प्रभावित करते हैं। लीफ की संख्या जितनी अधिक होगी, लीफ जितना बड़ा होगा और लीफ जितना सूर्य की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित होगा और लीफ में जितना ही मेसोफिल की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होगा, उतना ही फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है अधिक होगी। ये इंटरनल फैक्टर में आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। एक्सटर्नल फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वे। इफ लाइट इज एम्पल, लाइट इज एनफ, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज सफिशियंट, वाटर इज सफिशियंट एंड क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन सफिशियंट अमाउंट इन लीफ, बट द फोटोसिंथेसिस रेट आर नॉट फ्रीली कंडक्ट। फोटोसिंथेटिक रेट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज वेरी हाई, देन फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीजेस। व्हेन ऑल दीज एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, वाटर, क्लोरोफिल एंड वाट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट, इन सबों के होते हुए भी अगर टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट प्रभावित हो जाता है।
तो एक्सटर्नल फैक्टर में मेन रूप से लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, क्लोरोफिल तो इंटरनल फैक्टर में आता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। यदि ए साइंटिस्ट ब्लैकमैन्स डिस्क्राइब द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस डिस्क्राइब ए लिमिटिंग फैक्टर ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस ही डिस्क्राइब दैट इफ एनी बायोकेमिकल प्रोसेस ड्राइव अपॉन सो मेनी फैक्टर मोर देन वन फैक्टर बट द रेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस इट डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर व्हिच आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन दिस इज लिमिटिंग हाइपोथेसिस ऑफ ब्लैकमैन्स। इसको ब्लैकमैन्स का लिमिटिंग फैक्टर परिकल्पना कहते हैं। ब्लैकमैन्स एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में या लिविंग बींग्स में जब चलता है तो वो अनेक प्रकार के फैक्टर से प्रभावित होता है, और जब कोई बायोकेमिकल प्रोसेस एक से अधिक फैक्टर पर जब निर्भर करता है तो उसका जो बायोकेमिकल प्रोसेस की जो गति है, जो रेट है, वह सभी फैक्टर पर निर्भर नहीं करता। उसकी जो गति है वह एक फैक्टर पर निर्भर करता है जिसकी सांद्रता कम होती है, उसी पर निर्भर करता है, क्योंकि अन्य फैक्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट इन सफिशियंट अमाउंट। अगर अनेक फैक्टर हों और सभी फैक्टर अगर पर्याप्त मात्रा में हैं लेकिन एक फैक्टर अगर लो अमाउंट में है, लो कंसंट्रेशन में है, तो उस बायोकेमिकल प्रोसेस की जो रेट है वो उसी लो अमाउंट पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा, क्योंकि वही कम है और बाकी तो सब पर्याप्त है। इस प्रकार एक एक फैक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे लाइट, लाइट एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। द सोर्स ऑफ लाइट इज ओनली सन एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी व्हिच गेट फ्रॉम सन। टेन परसेंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, 10% ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट आर एलिजिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। केवल 10% जितनी भी लाइट आती है उसका 10% लाइट एनर्जी ही अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, पर्याप्त होता है। एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है किताब में, आप बाई तरफ देखिएगा, जो वाई एक्सिस है वह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और जो एक्स एक्सिस है उस पर लाइट इंटेंसिटी है। जैसे जैसे हम लाइट को बढ़ाते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन
एक समय, एक सीमा आने पर, डी पॉइंट दिया होगा, डी पॉइंट पर जब हम लाइट इंटेंसिटी डी पॉइंट तक लाते हैं तब तक तो बढ़ती है, लेकिन डी के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वह नहीं बढ़ता, कांस्टेंट कर जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ए लाइनियर रिलेशनशिप आर फाउंड बिटवीन फोटोसिंथेसिस रेट एंड इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। लाइट के तीव्रता को बढ़ाने के साथ फोटोसिंथेटिक रेट ये बढ़ता रहता है, जिसको हम डायरेक्टली यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल को सीधा अनुपात कहते हैं, सीधे अनुपात। जैसे इसको बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे वो भी बढ़ेगा। लाइट जितना बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेसिस रेट उतना ही बढ़ता जाएगा। सेकेंड, CO2 कंसंट्रेशन। देखिए CO2 कंसंट्रेशन इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। वी नो वेरी वेल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है इसको हम लोग जानते हैं, 0.03 0.03% टू 0.04%। ये परसेंटेज एनवायरनमेंट में पाया जाता है। बट इफ लाइट इंटेंसिटी इज हाइपर देन द C4 प्लांट फोटोसिंथेसाइज मोस्टली। बट C3 प्लांट सिंथेसाइज स्लोली। बट लाइट इंटेंसिटी इज हाइपर द C4 प्लांट फोटोसिंथेसाइज मोस्टली इन द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 दैट इज 0.03%। बट इन दिस कंसंट्रेशन C3 प्लांट फोटोसिंथेसाइज स्लोली। When light CO2 concentration if increases in the environment, the C4 plant are not increases the photosynthesis. But C3 plant increasing their photosynthesis as well as increase the concentration of CO2. So in this way 360 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 के कंसंट्रेशन पर C4 प्लांट
मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि C3 प्लांट स्लो करता है। लेकिन जब हम CO2 का कंसंट्रेशन 450 माइक्रोलीटर पर लीटर अगर करते हैं तो C3 प्लांट भी फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम करता है। उससे अधिक जब हम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता। तो जो वर्तमान का जो प्रेजेंट का एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो उपलब्ध है 0.03%, इस कंसंट्रेशन में C3 प्लांट फोटोसिंथेसाइज वेरी स्लोली या लो अमाउंट। इस कंसंट्रेशन पर C3 प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो कम होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अतः फोटोसिंथेसिस का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो CO2 है। CO2 को बढ़ाने से C3 प्लांट की फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता है। नंबर 3, टेम्परेचर इज आल्सो एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस रेट। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फोटोसिंथेटिक का रेट बढ़ता है। कम टेम्परेचर और बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पर भी फोटोसिंथेसिस रेट रुकता है, लेकिन C4 प्लांट जो होते हैं उनका फोटोसिंथेटिक रेट हाई टेम्परेचर पर अधिक होता है, जबकि C3 प्लांट हाई टेम्परेचर पर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर C3 प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट कम है, क्योंकि जो क्लोरोफिल के अणु हैं वो डैमेज होने लगते हैं और साथ ही अधिक लाइट इंटेंसिटी और लाइट टेम्परेचर में ये C3 प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का अनुपात अधिक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात हमेशा अधिक होना चाहिए ऑक्सीजन से, तभी फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ता है। तीसरे से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। तो C4 प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट सर्वाधिक हाई होता है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट और हाई टेम्परेचर पर, लेकिन C3 प्लांट का जो रेट होता है वह हमेशा जो है कम होता है। इसका जो लिमिटिंग फैक्टर है CO2 बढ़ाने से ही फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता है। इसी प्रकार वाटर भी एक फैक्टर है। वाटर की उपलब्धि भी आवश्यक है, क्योंकि वाटर के उपलब्ध न होने से ये फोटोसिंथेटिक रेट घटता है। तो प्रॉपर उपलब्धि वाटर का भी होना चाहिए। इस प्रकार ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आपने देखा। इसके बाद इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर समझ में आएगा। धन्यवाद।